जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों बहुत दिनों से आपका रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कैम्फर के डिसकनेक्शन के लिए कुछ कीजिए, तो आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिसकनेक्शन अप्रोच इन कैम्फर। ये हमारा गिवन टारगेट मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कैम्फर में केवल एक ही कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब बैकवर्ड जाएंगे तो इससे पहले वाला पेरेंट कंपाउंड हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो कीटोनिक ग्रुप सोचिए कहाँ से आया होगा, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच में बैकवर्ड जा रहे हैं हम लोग, कीटोन फॉर्मेशन। तो कीटोनिक ग्रुप जो आता है इट कम्स फ्रॉम द कैल्शियम सॉल्ट, तो यहाँ पे हम लोग कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोनिक ग्रुप में। तो आइए देखते हैं कैसे। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ होमो कैम्फोरिक एसिड, तो अब इन दोनों कंपाउंड में ये कंपाउंड जो है डॉटर कंपाउंड है और ये इसका पेरेंट कंपाउंड है। तो आप देख पा रहे हैं पेरेंट कंपाउंड में हमने डाई कार्बोक्सिलिक का कैल्शियम सॉल्ट बनाया जिसको बोलते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ होमो कैम्फोरिक एसिड, और जब इसको गर्म किया जाता है कि यहाँ से CaCO3 ये बाहर निकल जाता है और बचता है केवल एक कीटोनिक ग्रुप। क्लियर हुआ कीटोन फॉर्मेशन पहले स्टेप में। अब ये जो कंपाउंड है ये डॉटर कंपाउंड बन जाएगा और हम लोग बैकवर्ड जाके इसके पेरेंट कंपाउंड को देखते हैं कि वो क्या होगा। तो आपने यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट बनाया तो इससे काफी आइडिया हो जाता है कि इसका जो पेरेंट कंपाउंड होगा उससे पहले का जो कंपाउंड होगा उसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और ये स्ट्रक्चर कहलाता है होमो कैम्फोरिक एसिड। होमो कैम्फोरिक एसिड अगर समझने के लिए बात करें इस पेरेंट कंपाउंड में और इसके इस डॉटर कंपाउंड रिलेशन आपको समझ में आ ही गया होगा कि सोडा लाइम के रिएक्शन करके डाइकार्बोक्सिलिक जो है कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कैम्फोरिक एसिड में। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों जब बैकवर्ड जाएंगे तो सोचिए डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ से आए होंगे, तो होमो कैम्फोरिक एसिड में हम लोग फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का दूसरे में कन्वर्जन दिखाते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इस पेरेंट कंपाउंड का जिसमें नाइट्राइल ग्रुप लगा है अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक में। तो ये पेरेंट कंपाउंड है इस डॉटर कंपाउंड के लिए। अब बच्चों देखते हैं कि ये कंपाउंड कहाँ से जनरेट हुआ, तो बैकवर्ड चलते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे जो नाइट्राइल ग्रुप है ये आया है FGI से, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हुआ है, तो वो वाला हुआ है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो यहाँ पे है ये कंपाउंड कहलाता है कैम्फोलाइड और यहां पे CH2 ग्रुप को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइल में, और ये पॉसिबल तभी है जब इस कंपाउंड की रिएक्शन KCN से कराई जाए एसिडिक मीडियम में। तो यहां से बॉन्ड क्लीव होगा और ये हमारा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, और ये CH2CN में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वाले कंपाउंड के लिए ये पेरेंट कंपाउंड है। क्लियर हुआ आपको। अब इसके लिए बैकवर्ड चलते हैं आगे कि ये कंपाउंड आया कहां से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने FGI किया है और FGI में हमने किया है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों कंपाउंड में रिलेशन देखिए। तो जब आप डिसकनेक्शन एरो पे दिखाते हैं तो डिसकनेक्शन पे FGI जो है वो बैकवर्ड लिखा जाता है, लेकिन दोनों कंपाउंड में अगर रिलेशन करें तो आप देखिए इस कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर एनहाइड्राइड ग्रुप है अगर इसके रिडक्शन किया जाए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू तो ये C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट रिड्यूस हो जाता है CH2 ग्रुप में। क्लियर है आपको। तो ये वाला पेरेंट कंपाउंड है इस डॉटर कंपाउंड के लिए, यानी कि ये कंपाउंड जो है इस कंपाउंड के पार्शियल रिडक्शन से आपको मिला है। अब हम लोग बैकवर्ड जाते हैं और देखते हैं कैम्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड आपको कहाँ से मिला होगा इस कंपाउंड के लिए, इसका पेरेंट कंपाउंड क्या होगा। तो देखिए कैम्फोरिक एनहाइड्राइड में हमने फिर से FGI किया है और FGI जो यहाँ पे हुआ है वो हुआ है डिहाइड्रेशन। तो आप देखिए डिहाइड्रेशन क्या शो कर रहा है, इस पेरेंट कंपाउंड और इसके डॉटर कंपाउंड में रिलेशन शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये कैम्फोरिक एसिड है, अगर आप यहाँ पे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाके उसके साथ में कैम्फोरिक एसिड को ऐड करते हैं ट्रीट कराते हैं तो यहाँ से वाटर OH और ये H बाहर निकल जाएगा और ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्राइड में। क्लियर हुआ आपको। तो ये पेरेंट कंपाउंड है इस डॉटर कंपाउंड के लिए। अब हम लोग बैकवर्ड चलते हैं, तो बैकवर्ड जब जाएंगे तो ये डॉटर कंपाउंड कहलाएगा क्योंकि इसका पेरेंट कंपाउंड आगे आएगा। यहाँ पे देखिए कि इस कंपाउंड के लिए ये पेरेंट कंपाउंड, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्रोमो ग्रुप में हमने इस कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए कैम्फोरिक में FGI किया है और FGI में हमने रिडक्शन किया है जिससे यहाँ से BR का रिमूवल हो गया है और ये कन्वर्ट हुआ कैम्फोरिक एसिड में। बैकवर्ड चलते हैं और मालूम करते हैं इस कंपाउंड के लिए पेरेंट कंपाउंड क्या होगा।
देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एच बी आर एडिशन लिखा हुआ है, नहीं बैकवर्ड चल रहे हैं, तो इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में रिलेशन देखें तो ये पेरेंट कंपाउंड है इस कंपाउंड के लिए। जब आप एच बी आर का रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे तो मालूम पड़ेगा, तो ये आपको कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ये बी आर, यहाँ पे एच बी आर का एडिशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमो कैम्फोरिक एसिड में। क्लियर हुआ? अब सर ये कंपाउंड कहाँ से आया, तो हम लोग बैकवर्ड चलते हैं और इसके पेरेंट कंपाउंड को देखते हैं कि वो कैसा होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अनसेचुरेट कैम्फोरिक एसिड में हम फिर से एफजीआई करने वाले हैं, और एफजीआई से सर क्या होगा कि जो ये अनसेचुरेशन है ये खत्म हो गया है। इन दोनों कंपाउंड रिलेशन देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं डाईहाइड्रोक्सी कैम्फोरिक एसिड है, इसमें अगर आप इसको एचआई से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है अनसेचुरेट कैम्फोरिक एसिड में। क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डाईहाइड्रोक्सी है ये जनरेट हुए हैं हमारे डाईकीटो से, इस कंपाउंड के लिए पेरेंट कंपाउंड है, और यहाँ पे डाई कीटो कैम्फोरिक एसिड का हम रिडक्शन करते हैं जिससे दोनों कीटोनिक ग्रुप जो हैं वो डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ एफजीआई रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका डाईकीटो कैम्फोरिक एसिड है, डाईकीटो कैम्फोरिक एसिड का पेरेंट कंपाउंड ये होगा, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एफजीआई सब्स्टिट्यूशन किया है जिससे हमारा डाईकार्बोक्सिलिक जो हमको मिला है वो एस्टर से मिला है। आपको क्लियर है? यहाँ पे एस्टर को यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है डाईकार्बोक्सिलिक में। क्लियर? और यहाँ पे एक एल्काइलेशन भी हुआ है, तो इस डाईकीटो कैम्फोरिक एसिड का पेरेंट कंपाउंड ये हुआ। अब हमको देखना है कि ये वाला कंपाउंड किससे बना है, तो उसके लिए यहाँ पे पर्पल लिंक से दिखाया हुआ है डिसकनेक्शन करेंगे, इसका डिसकनेक्शन करेंगे तो आपको दो फ्रेगमेंट मिलेंगे, लेकिन बताया था कि यहाँ पे सिंथन शो नहीं करेंगे, सीधा केमिकल इक्विवेलेंट या कंपाउंड को ही दिखाएंगे आपको। तो हमने यहाँ पे सीधा शो किया है इस पेरेंट कंपाउंड के सिंथेटिक इक्विवेलेंट फर्स्ट और सेकेंड को। तो बच्चों अभी हमारा काम बाकी है, ये जो आप देख रहे हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट टू, इसको हम लोग को फर्दर डिसकनेक्ट करना है और इसके सिंपलर पेरेंट कंपाउंड को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। आपने देखा ये हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट सेकंड और फर्स्ट मिला था, तो हम लोग सेकंड को ले रहे हैं क्योंकि ये अभी सिंप्लीफाई करना बाकी है, डिस्कनेक्शन करना से बाकी है। तो हमने यहाँ पे एफजीआई किया और एफजीआई में आप देख पा रहे हैं एस्टरीफिकेशन, तो यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जो पेरेंट कंपाउंड होगा उसके अंदर एस्टर ग्रुप नहीं होगा। कि ये हमारा बन गया डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है आपको? अब इसका पेरेंट कंपाउंड देखते हैं और उसके लिए हमको बैकवर्ड जाना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। नहीं, एफजीआई किया हुआ है फिर से इस कंपाउंड के लिए, तो इसका पेरेंट कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। आप यहाँ पे देखें डाई एल्काइल साइक्लोहेक्सेन डाई ओन का अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कीटोनिक और ये कीटोनिक दोनों ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन दोनों का जो रिलेशन है इस पेरेंट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको ये कंपाउंड मिलता है और रिंग क्लीव हो जाता है। क्लियर है आपको? बैकवर्ड चलते हैं, देखते हैं ये किससे बना है। तो आप देख रहे हैं कि इस कंपाउंड का हमने एफजीआई किया और एफजीआई में हम लोग करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो ध्यान से देखिए ये कंपाउंड जो है ये डीकार्बोक्सिलेशन से बना है, और वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एस्टर ग्रुप, अगर आप बेसिक कंडीशन में इस कंपाउंड को ट्रीट करेंगे तो ये एस्टर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा और कार्बोक्सिलिक फर्दर ब्रेक डाउन होके यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड। तो आपको क्लियर हुआ इस कंपाउंड के लिए पेरेंट कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। अब हम इसको और बैकवर्ड लेके चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका एक्चुअल पेरेंट कंपाउंड कैसा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये मेसिटाइल ऑक्साइड और यहाँ पे इथाइल मेलोनेट है बच्चों, ये रिंग क्लीव होता है और यहाँ पे ये दो रिएक्शन है जिससे जाके ये कंपाउंड आपको मिलता है। यहाँ पे मेसिटाइल ऑक्साइड और इथाइल मेलोनेट जो है ये कैम्फर के स्टार्टिंग मटेरियल है बच्चों, जो हमको डिसकनेक्शन से मिले हैं। अब बच्चों हम लोग चलते हैं कैम्फर के सजेस्टेड सिंथेसिस के लिए, और डिसकनेक्शन में हमने जो यहाँ पे सिंपलर मॉलिक्यूल निकाले हैं अब उनको हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखना शुरू करते हैं। आप जानते हैं उससे बन जाता है हमारा प्रोपोज या सजेस्टेड सिंथेसिस। तो आइए जानते हैं कैसे। देखिए बच्चों ये हमारा मेसिटाइल ऑक्साइड है, ये हमारा एथाइल मेलोनेट है, यहाँ पे माइकल एडिसन और डिकमैन रिएक्शन से कन्वर्ट हो जाएंगे इस कंपाउंड में, और इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा आपको बताया था, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा डाई एल्काइल साइक्लोहेक्सेन डाई ऑन, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे दोनों कीटोनिक जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे डाईकार्बोक्सिलिक में और रिंग क्लीव हो जाएगा। अब इसका एस्टरीफिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट टू। तो देखिए ये हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड जो हमने ऊपर बनाया बच्चों। अब ये दोनों को कंडेंस कराते हैं तो हमारा ये कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का इथाइलेशन करेंगे तो डाईकार्बोक्सिलिक डाईएस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एस्टर में हमने COO इथाइल से दिखाया हुआ है, और यहाँ पे एल्काइलेशन हो जाएगा, इस पोजीशन पे एल्काइलेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम रिडक्शन कराते हैं जिससे डाईकीटो जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं OH ग्रुप में।
डाइहाइड्रोक्सी कैम्फोरिक एसिड का रिएक्शन HI से कराते हैं, जिससे दोनों H जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। फिर इसका रिएक्शन HBr से कराएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा एक ब्रोमो डेरिवेटिव। क्लियर है आपको? यहाँ पे देखिए हमने दो स्टेप एक साथ दिखाए हुए हैं। पहले स्टेप रिडक्शन होगा तो जिससे ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद हमने किया हुआ है डिहाइड्रेशन, जिससे यहाँ पे दोनों कार्बोक्सिलिक से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये दोनों कार्बोक्सिलिक जो है वाटर रिमूव करने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड में। उसके बाद आप जानते हैं कि जो कंपाउंड हमारा बना है यहाँ पे एनहाइड्राइड, इस कैम्फोरिक एनहाइड्राइड का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप जो है सिलेक्टेड रिडक्शन होता है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम जब इस कंपाउंड को KCN और एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो CH2 ग्रुप जो है वो साइनो में कन्वर्ट हो जाएगा और रिंग हमारा क्लीव हो जाएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनो ग्रुप आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इसको सोडा लाइम से ही ट्रीट करेंगे तो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा और फर्दर ये ब्रेक डाउन हो जाता है हीटिंग पे। और बच्चों ये हमारा बन गया है टारगेट मॉलिक्यूल कैम्फर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैम्फर डिस्कनेक्शन एंड सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमने जाना कि डिस्कनेक्शन कैम्फर का कैसे करते हैं और डिस्कनेक्शन के बाद उसका सजेस्टेड या प्रपोज सिंथेसिस कैसे होगा।